आज के इस वीडियो में ड्रॉ करने वाला हूँ हनुमान जी को। इसके लिए यहाँ पे मैंने आउटलाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है एंड अब बारी है बस इसमें शेड करने की। आउटलाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, इसका फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस आउटलाइन को अच्छे से इरेज करूंगा। यहाँ पे इरेज करने के लिए मैं नॉर्मल इरेजर ही यूज कर रहा हूँ। ये वाला इरेजर है एंड अभी यहाँ पे इसको मैं नॉर्मली इरेज कर रहा हूँ एंड आपको थोड़ा बहुत दिखेगा इसमें, लाइटली इरेज करना आप लोग को। एंड अब यहाँ पे बस इस पर हम नॉर्मली पेंसिल कलर का यूज़ करने वाले हैं। अभी यहाँ पे मैं अपने जो भी पेंसिल कलर मुझे यहाँ पे यूज़ करने हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लिया है एंड अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको अच्छे से शार्प कर लूँगा एंड आप लोग भी शार्प करके यूज़ करना ताकि जो डिटेल्स हैं वो फाइन हो सके बिल्कुल। अभी यहाँ पे सबसे पहले फेस कलर का यूज़ करके पूरे फेस पर ड्रॉ करूँगा। यही मेथड मैं अपने हर ड्राइंग पर यूज़ करता हूँ, जो भी मेरा पेंसिल कलर ड्राइंग होता है सभी पे मैं सबसे पहले ऐसे ही फेस कलर का यूज़ करता हूँ, देन उसके ऊपर से मैं डिटेल्स ऐड करता हूँ जैसे यहाँ पे अभी मैं कर रहा हूँ। एंड आई होप आपको सब कुछ इसमें समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, मैं वहाँ पे आपको कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा या नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बता दूँगा। अभी आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अभी यहाँ पे बस आपको शेडिंग जितना अच्छे से आप कर सकते हो उतना अच्छे से करना है। एंड अगर आप लोग पेंसिल कलर ड्राइंग सीख गए तो आप पेंसिल स्केच भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इसमें बस आपको ब्लेंड करना है एंड शेड करना है जो भी लाइट डार्क होता है। यही सेम प्रोसेस पेंसिल स्केच में, मतलब यही सेम प्रोसेस आपको उसमें भी करना है। एंड जो इसमें हाईलाइट होता है कलर पेंसिल में वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड वही चीज़ पेंसिल स्केच में भी। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एंड आप कमेंट करके जरूर बताना मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा ड्राइंग बनाऊँ। एंड आप मेरे सभी ड्राइंग्स को सबसे पहले देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मेरे जो भी लेटेस्ट ड्राइंग होते हैं मैं उसको स्टोरी में या रिवील करता हूँ। उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको जो भी मेरा ड्राइंग होता आने वाला वो आपको वहाँ पे सबसे पहले दिख जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे इसको शेड कर रहा हूँ एंड सभी बस इसमें थोड़ा बहुत जो ट्रिक है वो आपको अप्लाई करना होता है इसमें एंड ये जो कि आपको साथ के साथ सीखने को मिल जाएगा जैसे आप ड्रॉ करोगे। इस फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस फोटो को एंड आप लोग ड्रॉ जरूर करना, इससे आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं बस कभी कभी हाईलाइट करने के लिए मोनोज इरेजर का भी यूज़ कर रहा हूँ जो भी बहुत ज़्यादा डिटेल एरियाज हैं वहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कैसे इस पर शेड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फेस कंप्लीट हो चुका है एंड इसी सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे बाकी बॉडी भी ड्रॉ करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं फेस कलर का अप्लाई कर रहा हूँ एंड इसी पे मैं अब बस डिटेल करूँगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये ड्राइंग बनाना। ये इमेज आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा जरूर ड्रॉ करना एंड मुझे टैग जरूर करना इंस्टाग्राम पर ताकि मैं आपका ड्राइंग देख पाऊँ एंड वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा भी कैसा आपका ड्राइंग लग रहा है, वो कमेंट करके मैं बता दूँगा। आप लोग उसके लिए मुझे टैग करना अपने जो भी पोस्ट होगा उस पर। अभी यहाँ पे देखो मैं कैसे ड्राइंग को बना रहा हूँ। यहाँ पे जो भी ज्वेलरीज है ये ड्रॉ करने में आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उसके लिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज़ कर रखा है जो कि डार्क येलो था, देन यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया, फिर उसके ऊपर से मैंने गोल्डन कलर का यूज़ किया है। इस तरीके से यहाँ पे जो ज्वेलरी है कम्प्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे दूसरी साइड भी ऐसी मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, देन इसको अच्छे से इरेज करके देन मैं इस पर ऑरेंज कलर का यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हो इतना रियलिस्टिक लग रहा है अभी। एंड जो इसमें शेडो पे हाईलाइट जो आ रहा होता है वो चीज़ आपको अच्छे से एब्जॉर्व करना है फिर ड्रॉ करना है, चाहे ये इमेज ड्रॉ कर रहे हो आप या कोई दूसरा भी इमेज ड्रॉ कर रहे हो। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, आप ना केवल ये ड्राइंग, अगर आपको कुछ भी ड्राइंग बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो तो मैं उस पर आपको मैं बता दूंगा। एंड आप कमेंट करके जरूर बताना मैं नेक्स्ट वीडियो में किस इमेज को ड्रॉ करूँ तो मैं वही इमेज ड्रॉ करूँगा। एंड यहाँ पे बस दो तीन कलर मिक्स करके आपको जो भी शेड है वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरा फेवरेट जैसे दो ब्राउन कलर है, एक थोड़ा सा लाइट है एंड देन यहाँ पे एक डार्क है। आप ये पेंसिल कलर बाय करना उसमें आपको मिल जाएगा वो चीज़। अभी यहाँ पे देखो हाईलाइट भी मैं नॉर्मल इरेजर का यूज़ करके कर रहा हूँ। बस यहाँ पे बस इसमें थोड़ा बहुत कलर मिक्सिंग है एंड अभी यहाँ पे ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी रिवील की, लेट्स एंजॉय द रिवील। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब।